नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। विंडीज के तेज गेंदबाज केमर रोच ने इंग्लैंड के खिलाफ एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। केमर रोच ने टेस्ट क्रिकेट में अपने 200 विकेट पूरे कर लिए हैं। केमर रोच ने यह कारनामा अपने 59वें टेस्ट मैच में पूरा किया है। इंग्लैंड के ऑलराउंडर क्रिस वोक्स को बोल्ड करते हुए केमर रोच ने ये उपलब्धि हासिल कर ली। साथ ही अपने आप को केमर रोच ने दिग्गज गेंदबाजों की फहरिस्त में शामिल कर लिया है। दरअसल 26 सालों के बाद ये पहला मौका है जब कोई विंडीज के गेंदबाज ने 200 से ज्यादा टेस्ट विकेट अपने नाम किए हैं। आखिरी बार साल 1994 में कर्टली एम्ब्रोस ने 200 विकेट पूरे किए थे। इसके पीछे की एक वजह यह भी रही है कि पिछले दो दशकों में कोई भी गेंदबाज विंडीज की टीम में स्थायी जगह नहीं बना सका है। साथ ही वेस्टइंडीज की टेस्ट क्रिकेट काफी ढलान पर भी आ गई। आपको बता दें, केमर रोच 200 टेस्ट विकेट पूरे करने वाले विंडीज के 7वें सबसे तेज गेंदबाज बन चुके हैं। इंग्लिश ऑलराउंडर क्रिस वोक्स स्ट्राइक पर थे और केमर रोच की एक धीमी गति की गेंद पर क्रिस वोक्स गच्चा खा गए। गेंद सीधे स्टंप को उखाड़ते हुए चली गई और इस विकेट के साथ केमर रोच ने इतिहास रच दिया। गौर हो, केमर रोच का जलवा तीसरे और आखिरी टेस्ट मैच की पहली पारी में खूब देखने को मिला है। पहले दिन उन्होंने 2 बल्लेबाजों को आउट किया था। इसके बाद क्रिस वोक्स के रूप में केमर रोच ने तीसरा विकेट अपने नाम कर लिया। बता दें कि मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रेफर्ड मैदान पर इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच सीरीज का आखिरी मैच खेला जा रहा है। 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में दोनों टीमें इस समय 1-1 से बराबरी पर है। लिहाजा जो भी टीम यह मुकाबला जीतेगी वो टेस्ट सीरीज पर कब्जा जमा लेगी। अब देखने वाली बात यह है कि सीरीज कौन सी टीम जीतने में सफल रहती है। बहरहाल बड़ी खबर यह है कि केमर रोच ने अपने 200 टेस्ट विकेट पूरे कर लिए हैं। इस खबर में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।